बड़ी और अहम खबर। सबसे पहले आपको बता दें, जानकारी मिल रही है फिलहाल कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, बहुजन विकास अघाड़ी का विनोद कांबड़े पर आरोप है, पैसे बांटने का आरोप लगाया। हालांकि पहली बार नहीं है जब पैसे बांटने के आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में लगाए गए हैं, और कांबड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं, और उसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। 5 करोड़ रुपए के साथ आए थे, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नाना पटोले जी, क्या जानकारी मिली है और ये कैसे साफ हो पाए कि 5 करोड़ के नोटों के साथ पहुंचे थे वो? देखो, मैं आपको एक सवाल करता हूं, क्योंकि बीजेपी अपना अलग स्पष्टीकरण दे रहे कि महाविकास चुनाव हार दिए करके ये लोग इस तरह का प्रोपंडा कर रहे हैं। मेरे उनको एक सवाल ऐसा है कि ये विनोद तावड़े जिस एरिया में अभी भी है वो एरिया उनका नहीं है, उनका वोट नहीं है वहां पर। 5 बजे के बाद, कल कैंपेन खत्म हो गया, 5 बजे के बाद वो अपने अपने सब जगह जाना चाहिए। ये चुनाव एक का नियम है, क्या नियम तोड़कर वो वहां पर रुके? वहां पर क्या कर रहे थे? उनका एक आदमी पैसे बांटते हुए पकड़ा गया, और अभी बीजेपी कहती है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। तो विनोद तावड़े असली है कि नकली है, इसका भी एक जांच होना चाहिए। और बीजेपी की जो मानसिकता है वो एकदम क्लियर है, सत्ता सत्ता से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से और सत्ता। और हमारे यहाँ तो एमएलए खरीद लिए इन लोगों ने, महाविकास आघाड़ी ने, और अपनी सरकार बनाई, और अभी लोगों को खरीदने के लिए निकल गए। तो चुनाव आयोग ने तुरंत विदाउट इंक्वायरी, तुरंत क्योंकि ऑन द स्पॉट छपे गए हैं, तो इसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग ने। ये हम लोग चुनाव के ऊपर नजर लगा के बैठे कि चुनाव थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, किस तरह के पैसे थे, किसे पैसे दिए जा रहे थे, कितने पैसे मिले हैं, क्या जानकारी है? सिर्फ ये कि भाई कुछ लोग वहां जाकर आरोप लगा दिया, ये है या कुछ पुख्ता सबूत भी है? नहीं, मैं एकदम स्पष्ट है कि वीडियो सामने आए हैं, और विनोद तावड़े वहां पर है, वो तो है, वो असली है, नकली तो है ही नहीं विनोद तावड़े, वो जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है। और विनोद तावड़े जिस एरिया में अभी छपड़ा गए हैं उस एरिया में उनका कोई संबंध नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे? बीजेपी बोल रही मार्गदर्शन करने गए, ठीक है। अब 5 बजे के बाद क्या मार्गदर्शन कर सकते हो? बहुत धन्यवाद नाना पटोले जी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ थे, विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वीडियो में नजर आ रहे हैं, असली वही हैं, अब आप कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख, हमारे दो संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, क्या ये मामला है, कहां का मामला है और किसे पैसे दे रहे थे विनोद तावड़े? जी बिल्कुल, देखिए वसई, विरार और बोईसर, ये तीन जगह है जो मुंबई से सटे इलाके में आती है, जहां पर लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक जो है वो चुनकर आते हैं। उसी इलाके में विनोद तावड़े विरार पूर्व के एक होटल विवांता में रुके हुए थे, जब ये बात पता चली बहुजन विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को, तो वो वहां पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, कुछ पैसे भी उन्हें मिले, कुछ नगद उनके हाथ लगी, जिसे लहराते हुए वो वीडियो में देखे जा सकते हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की संख्या जैसे ही बढ़ती नजर आई, वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया, वहां पर अब पुलिस भी मौजूद है, स्थिति काफी असमंजस भरी है, काफी तनावपूर्ण भी है। और विनोद तावड़े लगातार ये बात झुटला रहे हैं कि वो किसी भी तरह के पैसे वहां पर लेके आए थे। हालांकि वसई विरार के बीजेपी के जिला के प्रमुख वहां पर मौजूद है, बीजेपी के जो वहां के प्रत्याशी है राजन नाइक, वो भी उस होटल में मौजूद है, और अब बड़ी संख्या में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से इस होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं मुस्तफा, क्योंकि कई तरीके के आरोप तो लग ही रहे हैं, हम वीडियो भी देख रहे हैं इसमें पैसे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, ये पैसे कहां से मिले इन लोगों को, क्या लग रहा है? और जिस डायरी का जिक्र वो कर रहे हैं कि डायरी में 15 करोड़ लिखे थे, मिले 5 करोड़, ये पूरा खेल जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या आरोप?
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि फिलहाल जो चीजें कही जा रही है वो वीबीए की तरफ से आरोप है, लेकिन ये एक बड़ी बात हो जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े बीजेपी के, वो ऐसे समय पर जब फिजिकल कैंपेनिंग खत्म हो गई है, 24 घंटे से कम के समय में चुनाव है, मुंबई से सटे विरार इलाके में एक होटल में पाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये जो पार्टी है जिसके आप कह सकते हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके 2 MLA वहां से हैं अभी भी, वहां पे वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, क्षितिज ठाकुर है, हितेंद्र ठाकुर है, उनका कहना है कि विनोद तावड़े यहां पर मौजूद थे, विनोद तावड़े से हमने एक बैग बरामद किया है, जिस बात की पुष्टि करनी बाकी है, आरोप है हितेंद्र ठाकुर का कि बैग बरामद किया गया, काले रंग का ये बैग था, उस बैग में से 2 चीजें निकली, एक ब्राउन कलर की डायरी और एक ब्राउन कलर का लिफाफा, उस लिफाफे में कैश था, ये कैश लहराते हुए आप कह सकते हैं कि जो बीवीए है उसके कार्यकर्ता दिख रहे हैं, वीडियो सामने आया है, एक डायरी है जिसमें वहां के एमएलए क्षितिज ठाकुर कह रहे हैं कि लोगों के नाम लिखे हैं जिनको पैसे दिए गए हैं। अब यह हितेंद्र ठाकुर का आरोप है कि 5 करोड़ रुपए विनोद तावड़े जो है वो बांट रहे थे। जब ये पूरी घटना सामने आई तो हितेंद्र ठाकुर ने यह भी कहा है कि 20 से 25 फोन विनोद तावड़े ने हितेंद्र ठाकुर को किए, माफी मांगी, कहा कि मुझे इधर से जाने दो, लेकिन हितेंद्र ठाकुर का ये कहना है कि वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कार्रवाई करे, इसलिए वहां पर बीवीए के कार्यकर्ता जो है विवांता होटल के बाहर भारी पैमाने पर दिख रहे हैं। धक्कम धुक्की के वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं विनोद तावड़े और वो कार्यकर्ता जो बीवीए के हैं वो आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं। पुलिस वहां पर उस वीडियो में दिख रही है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता उस होटल को छोड़कर निकले नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की तहकीकात कैसे करेगी, एक तरफ हितेंद्र ठाकुर के आरोप है, दूसरी ओर बीजेपी को यह कहना होगा, समझाना होगा, बताना होगा कि क्यों कैंपेनिंग खत्म होने के बाद विनोद तावड़े विरार गए थे।